इतने सारे लोग थे पर हिबा जी ने बस मुझे ही देखा, शायद अपने मन में मेरे बारे में कुछ सोच रही होंगी। जैसे ही एक्टर साहिर शेख बाहर निकलते हैं लड़कियां पागल हो जाती हैं, जिसमें हमारी बहन भी शामिल है। मैडम मैडम बस चलिए। कैमरा बंद कर। दोस्तों आज हम आके पहुंच गए हैं मुंबई की फिल्म सिटी में। अंदर एंटर करने के लिए आपको टिकट इस बॉलीवुड पार्क में मिल जाएगा। अगर आप इंडियन हो तो एक टिकट का 999 रुपए लगेंगे, पर अगर आप अंग्रेज हो तो आपको 3000 का लगान देना पड़ेगा। टिकट बुक होते ही आपके मोबाइल में कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर एक बस आएगी और आपको उठा के अंदर ले जाएगी। Okay. हमारी बस अभी आने में टाइम है, इस बीच अगर आपको टॉयलेट वगैरह करना है तो आप यहाँ जा सकते हो। एक एक करके सबकी गाड़ी निकल गई, हमारी गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं। ये फिल्म सिटी का कुत्ता है गाइस, किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। एक फोटो ले ले मेरा भाई। अरे ब्रो सब बोलते हैं मैं पैसे दे के फॉलोअर्स लाता हूँ। मैं तो आपका सच्ची वाला फैन हूँ। कोई यकीन ही नहीं करता मैं यार। आपका हर वीडियो देखता हूँ। सच बोल रहे हो ना भैया। चलो थैंक्स भाई, 100 रुपये पेटीएम कर दूंगा अभी। ओके ओके। रमेश, सुरेश, मुकेश, महेश, नरेश, शैलेश, सिद्धेश। भाई चल चल। अबे सिद्धेश नहीं, सिद्धि दास हूँ मैं, फेमस यूट्यूबर ब्लॉगर। जा जा उधर बैठ। अरे भैया मैंने आपको कहीं देखा है। अरे हाँ फेसबुक यूट्यूब में देखे होंगे। नीचे टॉयलेट के पास खड़े थे आप। सत्यानाश। चल चल इसके पीछे नहीं बैठना मुझको। ए! बस में बैठते ही एक आईडी कार्ड कुत्ते की पट्टे की तरह आपके गले में बांध दिया जाएगा। ये कौन सा सीरियल चल रहा है इधर? इमली। अगर अनुपमा का शूटिंग सेट दिख गया ना दोस्तों, आग लगा दूंगा उस सेट में आज। फिर हम पहुंच जाते हैं बनी चाओ होम डिलीवरी की शूटिंग सेट में, और ये रही उसकी एक्ट्रेस उल्का गुप्ता जी, जिनको आप बचपन में झांसी की रानी सीरियल में भी देखे होंगे। ओके मैडम, एक बहुत बड़ा ब्लॉगर आया है सिद्धिदास, आपके साथ ब्लॉग बनाना चाहता है। कितने फॉलोअर्स है उसके? 1 लाख। मैं सिर्फ 1 मिलियन वालों के साथ ही ब्लॉग बनाती। भागो यहाँ से। अरे दोस्तों जल्दी जल्दी पेज फॉलो कर दो यार, वरना ऐसे ही लोग बेइज्जती करते हैं। एक्सक्यूज मी, ये वही तालाब है जिसमें देवदास पिक्चर में शाहरुख खान डुबकी लगाए थे। अब आप सोच रहे हैं कि इतने गंदे पानी में शाहरुख खान डुबकी लगाएंगे तो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस पिक्चर के लिए पूरा पानी चेंज करके बिस्लेरी डाला था। नहीं सीरियसली, पहले सस्ता था भी महंगा हुआ है। इसी तालाब में ज्यादातर लाशें मिलती हैं, जैसे साउथर्न इंडिया सीआईडी, क्राइम पेट्रोल होता है। ठीक है, सामने वाले मैदान में पुरानी फिल्मों में डाकू गुंडे लोग के अड्डे होते थे। विलेन बोलता था आज मेरा 50 करोड़ का सोना आ रहा है, अब खुद आते थे 2000 पर डे के हिसाब से। सिर्फ डायलॉग होता था उनका। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हेलो। दोस्तों वीडियो देख के अगर मजा आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दो यार। ये रही तारक मेहता का उल्टा चश्मा का गोकुल धाम सोसाइटी। पैसे कम दिए है ना तो इसीलिए कम दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वही पहाड़ है जहाँ पे नो एंट्री वेलकम जैसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज शूट हुई है। नीचे लौट रहे थे, पता चला एक मराठी सीरियल की शूटिंग चल रही थी, फिर सब उनके साथ फोटो लेने के लिए भागे। किसी को ये नहीं पता कि ये एक्टर एक्ट्रेस है कौन, सबको बस अपने टिकट के 1000 रुपए वसूल करने थे। दोस्तों फाइनली हम उस मंदिर में पहुंच गए जहां हर रोज भगवान बदलते रहते हैं, चाहे वो फिल्मों में हो या सीरियल्स में, हमेशा आपको यही मंदिर दिखता होगा। क्या हो गया तेरे को? फिर हमारी नजर एक एक्टर पे पड़ी जो बेचारा बड़ी आस लगाए हुए लोगों को देख रहा था, पर उसके तरफ कोई जा ही नहीं रहा था। फिर हमारी बहन ने दरिया दिली दिखाते हुए उनके पास सेल्फी लेने पहुंच गई। जैसे ही हमने सेल्फी लिया सारे लोग वहां कूद पड़े अपने 1000 रुपए वसूल करने के लिए। तो दोस्तों यहां वो तो है अलबेला की शूटिंग चल रही है। जैसे ही एक्टर साहिर शेख बाहर निकलते हैं लड़कियां पागल हो जाती हैं, जिसमें हमारी बहन भी शामिल है। पर जैसे ही शाहिर ने मुझे देखा धड़म से वहां से निकल गया। मैडम मैडम बस चलिए। इतने सारे लोग थे पर हिबा जी ने बस मुझे ही देखा, शायद अपने मन में मेरे बारे में कुछ सोच रही होंगी। ओह गॉड, ये चश्मे वाला भिखारी मुझे क्यों घूर रहा है। दूसरी तरफ हमारी बहन शाहिर शेख को कंटिन्यूस लाइन मारे जा रही थी। बहन की ये हरकतें देख शाहिर शेख डर के मारे वहां से भाग गया। दोस्तों सारे फिल्मों के कोर्ट कचहरी वाले सीन यहीं शूट होते हैं। सन्नी देओल का डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फिर हम पहुंच जाते हैं बॉलीवुड पार्क में। आगे सारे पागल है। बॉलीवुड पार्क में आप सबका स्वागत है। यहाँ बनी सारी चीजें बहुत कीमती है, ज्यादा हीरो नहीं बनने का। अगर कुछ भी टूटा तो आपको भी यहाँ तोड़ दिया जाएगा, शांति से देखने का और फुटने का। इधर से बॉलीवुड पार्क में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर हम क्रोमा स्टूडियो में घुस जाते हैं जहाँ बॉलीवुड की फिल्मों में किस तरह VFX का इस्तेमाल होता है वो बताया गया था। जल्दी मैं अपने वीडियोस में भी VFX ट्राई करूंगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन था, देख के मजा आ गया। फिर हमें बॉलीवुड थिएटर में घुसा दिया जाता है। कुछ नाच गाने का बंदोबस्त किया गया है। भीड़ इतनी आ जाती है कि जगह ही नहीं बचता है। अरे बत्ती बुझ गई, अभी स्टार्ट हो जाएगा। Okay. अरे नहीं यार, अभी तक इनको लोगों का बिठाने का काम खत्म नहीं हुआ। हेलो गाइस, मैं
वंशिका, मुझे तो आपने पहचाना ही होगा, है ना? नहीं पहचानता। नो, नहीं जानता कौन है तू लड़की। ठीक है फिर मैं चले जाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छा है। अरे बाप रे, सिद्धि दास तू भी इधर आए, प्लीज मेरा डबिंग मत करना पिछली बार की तरह। ओह नो। अगले 15 मिनट तक जूनियर गुलाटी आपके साथ मनोरंजन करने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जान नीचे, मैं तुम्हारे अबू अबाले, अब दूर दूर लगभग मिलो दूर। फिर दारू पी के ये चार बंदे उछल कूद मचाने आ जाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर कूद निकल जाते हैं। आई होप आप सबने इंजॉय किया होगा। नहीं, वैसे तो वापस नहीं मिलने वाले। चलिए एक एक करके सब दफा हो जाइए। बसंती, कुत्तों के सामने मत नाचना। दोस्तों ये रही गोलमाल की तीन चक्कों वाली बाइक। महारानी महिष्मती हाजिर हो। तो गाइस बस इतना ही था फिल्म सिटी में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो लाइक का बटन दबा दो यार। इसी के साथ हमारा मुंबई ट्रिप भी आज खत्म होता है और बहुत सारी यादों को समेट के हम पुणे के लिए रवाना हो जाते हैं। ओ भैया हमको पहचानते हो क्या? नहीं सर, कौन हो आप? कोई बात नहीं, जल्दी पहचान जाओगे। ठीक है सर। तो गाइस हम आके पहुंच जाते हैं LTT में, जहां रात को हमारी ट्रेन है। चलो थोड़ा सो जाते हैं यार, ट्रेन आने में बहुत टाइम है यार। गाइस कुछ सपोर्ट करो यार सिटी डास को, देखो बेचारे को, उसको इतना सपोर्ट करो, इतना प्यार दो, इतनी मोहब्बत करो कि उसको ऐसे स्टेशन में सोना ना पड़े। देखो उसके चप्पल भी घिस गए यार, बड़ी दया आ रही है मुझे आज मेरे भाई पर। उठ जा उठ जा, लोकल आने ही वाली है, मुंबई पुणे लोकल वाली, उठ जा, लड़ना पड़ेगा ना लोकल में, जल्दी आ। किसी मंजर पे मैं रुका नहीं, खुद उसे मैं भीका नहीं, ये गिला है सिखा है मखा है, कहर से एक गांव एक से लोगे।